अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ। आज हम आपकी मुलाकात पंजाब की उस आर्टिस्ट से कराएंगे जो लाखों दिलों की धड़कन है, डांसिंग क्वीन रमल अली शाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बेसिकली फैसलाबाद से बोल रहे हैं? जी हाँ जी, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम मीडिया के लोग हैं, हर जगह फिरते हैं, जितने आपके मद्दाम मुल्तान में हैं शायद फैसलाबाद में ना हो। आप मुल्तान के अपने मद्दाओं के लिए, उनके लिए क्या पैगाम है? उनको सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कहूँगी कि मैं चौथी पाँचवीं दफ़ा मुल्तान आ चुकी हूँ। हर दफ़ा उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और इस दफ़ा मेरी शोर से भी ज़्यादा प्यार दिया, मोहब्बत की, बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या आपका माशाल्लाह डांस, आपकी अपीयरेंस और आपकी फिटनेस, आप उसके लिए क्या खसूसी कोई एक्सरसाइज करती हैं या फूड प्लान होता है, कैसे आप अपनी फिटनेस कर रहे हो? फिटनेस के लिए बस थोड़ी सी डाइट और तरतीब से खाना, जस्ट कुछ नहीं, कोई जिम नहीं जाती, कुछ नहीं करती, जबकि ये जो मैनेजर हैं वो वही मतलब ज़्यादातर वेजिटेबल्स मुझे सर्व करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे ज़्यादा नुकसान ना हो, जिनमें ज़्यादा फैट्स ना हो, जस्ट वो, और एक्सरसाइज वगैरह में कुछ नहीं। तो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो आपको देखते हैं और आपके डांस को, आपके स्टाइल को कॉपी करती हैं, लेकिन ये बताएं कि इंडिया में, पाकिस्तान में आपके कौन से फेवरेट हैं, आप किन को कॉपी करती हैं या आपके जो आइकॉन वो कौन है? मेरी आइडल है, वॉइस मेल में है, मेरी BTS है, मुझे BTS बहुत पसंद है, मैं BTS आर्मी हूँ, और शकीरा पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, वो हॉलीवुड से, तो मैं उन्हें जस्ट देखती हूँ। हमारे पाकिस्तान के एक्टर्स बहुत बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं देखती नहीं, आई एम हॉलीवुड लवर, तो इसलिए बस हॉलीवुड। शकीरा का आपने नाम लिया, वो तो पिछले 15 साल से उन्होंने राज किया उस पर, कोई फुटबॉल का इवेंट हो या कोई वो न्यूज़ आती हैं। अच्छा, और ये कोई इंडियन कोई एक्ट्रेस में से कोई आप जिनके डांस देखती हैं, कोई आपके फेवरेट इंडियन के हवाले से? इंडियन एक्टर नोरा फतेही अच्छी है बहुत, उसके डांस मूव्स अच्छे होते हैं, वो पसंद है, नोरा पसंद है, और कोई बस नोरा। अच्छा, अमूमन एक आखिरी सवाल आपसे, कि लोग ये कहते हैं कि रमन शाह की पेमेंट बहुत ज़्यादा है, वो उनको उस पर बुलाना फंक्शन पे, आप आज आप दोस्तों के सामने अपने नाजरीन के सामने बता ही दें कि आप कितनी पेमेंट दें, अगर कोई अपने फंक्शन में बुलाना चाहे तो आप उसका क्या आपका वो होता है मुआवजा? पेमेंट मेरी आपके इलाके में बहुत सारी स्टीमेंट हैं जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जब किसी ने बुलाना है तो वो आपकी इर्द गिर्द कोई भी फेमस स्टीमेल है आप उसके पास जाएँ, उन्हें कहें कि रिमोट शाह से हमारे कॉन्टेक्ट पर बन जाएंगे, इवेंट को बुलाना है तो उन्हें बुलाएँ, बाकी पेमेंट वगैरह तो वो अमूमन हर जिस जिस सिटी में जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है, उनकी एक पेमेंट नहीं है हमारी, मतलब कराची जाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो बाई एयर की टिकटें ये वो और ऐसे काफ़ी इंतज़ाम के, मतलब जितने भी शहर हैं ना उनकी सबकी अलग अलग अलग। मेरा आखिरी सवाल है, बहुत शुक्रिया, कि अब रमज़ान की आमद, आप पूरा साल तो आप मसरूफ रहती हैं, आपका टाइट शेड्यूल हो, रमज़ान शरीफ में आपकी क्या एक्टिविटी होती है, वो तो आपके जो ना बता जाना चाहते हैं? रमज़ान शरीफ में हमारी मसला सारी जितनी भी मेरी पेज खुशी में रहती हैं, मेरे घर पे रहती हैं, वो सब माशाल्लाह रोजे रखती हैं, हम इकट्ठे रोजे रखती हैं, इकट्ठे इफ्तारी करती हैं, इकट्ठे फहरी करती हैं, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है रमज़ान में। हम ये है कि फैमिली को ज़्यादा टाइम देती हैं, जितनी खुशी मिलते हैं वो अपनी फैमिली में चली जाती हैं, रमज़ान के अंदर में वो फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा समझती है, तो मेरा भी टाइम ज़्यादातर फैमिली में ही जाता है, और शाम को अफ्तार के बाद मैं अपने घर पे आ जाती हूँ जहाँ पे मेरी सहेलियाँ मौजूद होती हैं, तो फिर मैं उनके साथ जस्ट थोड़ा सा चिल मस्ती गपशप कर ली, तो बस फिर ये होता है कि हमें जब एक महीना मिलता है रमज़ान, आपस में सब घुल मिल के सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं पूरे साल की, वो फिर हम एक दूसरे से शेयर करती हैं, तो बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश, बहुत शुक्रिया आप सबका, मुल्तान वालों लव यू, थैंक यू। आप इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पर सभी वीडियोस को प्यार करें।